हेलो भाई, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। और यार वैसे आज क्या है, आज संडे है कि मंडे है? आज ट्यूसडे है और ऊपर अलर्ट जारी किया हुआ है। देखो मौसम, देखो आप, बिल्कुल बारिश आने वाला मौसम लगा है, मगर कहीं भी छुट्टी नहीं मिली है, तो इसलिए मैं भी आ गया हूँ कोचिंग की तरफ। अब आज दिन में देखते हैं, अगर बारिश आती है तो अपने डिसीजन में रिग्रेट करना पड़ेगा, और नहीं आती है तो सही रहेगा, ठीक है। तो अभी खैर कोचिंग जा रहा हूँ मैं महाकाली, आज आपको दिखा देता हूँ मैं कोचिंग कहाँ जाता हूँ आके। ओके तो यार अभी जस्ट मेरी कोचिंग छूटी थी, मतलब जस्ट तो नहीं, कोचिंग छूटे हुए बहुत टाइम हो गया। मैं कॉलेज जाके वापस आ गया हूँ, कॉलेज में उतना कुछ था नहीं दिखाने के लिए, इसलिए दिखाया नहीं मैंने। ये देखो टाइम तो 1 बजने वाला है। मेरी पॉलिटिकल और साइकोलॉजी की क्लास थी, दोनों पढ़ने के बाद अभी मैं यहाँ आया हूँ देव सिंह। ये देखो ये पार्किंग है ना, पार्किंग के नीचे बैठा हूँ। और मेन रीज़न यहाँ पे क्यों बैठा हूँ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आज जो मेरी जीएस की कोचिंग थी ना, वहाँ पे मैंने पढ़ा कि मतलब एक राजा था, वो जब नेपाल में क्या कहते हैं आक्रमण के लिए गया था, नेपाल में आक्रमण करने के लिए गया था, तो उसकी सेना जो है यहीं से आई थी, और उनका पहला चेक पॉइंट था यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं पे कटुकी नौला है, तो वही ढूंढते हैं हम यहाँ पे कटुकी नौला कहाँ मिलता है, देखते हैं ज़रा। कटुकी नौला तो मैं यहीं पर वही ढूंढने के लिए आ रहा हूँ भाई, कटुकी नौला कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, मेरे को उम्मीद है कि मिल जाएगा। और वो पहला उनका चेक पॉइंट था, तो देखते हैं ज़रा यहाँ कहीं लोकल से पूछते हैं अगर उनको पता हो तो नौले के बारे में। चलो ये रोड से नीचे को रास्ता जा रहे हैं, जरा यहाँ भी देखते हैं यहाँ मिलता है तो। वैसे इस तरफ को आज मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, आज से पहले मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ पे, और मैंने देखा भी नहीं है वो नौला है। और ये पता नहीं रोड कहाँ जाती है, और गाड़ी यहाँ ऊपर नो पार्किंग, 100 मीटर नो पार्किंग थी, इसलिए मैं अंदर वहाँ रास्ते के अंदर डाल के ला रखा हूँ। बस अब मिल जाए हमको नौला, पुराना पौराणिक नौला, आप भी देख लोगे हम भी देख लेंगे। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को आज पढ़ने के बाद ना उस नौले को देखने का। कुमौर दिखने लग गया है यहाँ पर से, तो कुमौर दिखने लग गया है यार। मैं देव सिंह वाली पार्किंग से बस 2 कदम नीचे को आया, यहाँ से कुमौर पहुँच गया हूँ, और मेरे को मिला नहीं अभी भी, मगर वो नौला पता नहीं कहाँ पर है। और अभी एक मैंने अंकल से बात तो करी थी, वो बता रहे थे कि देव सिंह फील्ड के बगल में था पहले एक टाइम पे, वहीं पे ज़रा देखता हूँ क्या पता मिल जाए वहाँ पे। तो यार मैं अगर आपको डिटेल में बताऊँ ना, मैं आखिर ढूंढ के रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बात है आज से कई साल पहले, कितने 1437 की बात है, एक राजा आया भारती चंद नाम का, ठीक है, चंद डायनेस्टी का राजा था। उससे पहले माना जाता है कि जितने भी चंद राजा थे मतलब वो दूसरे राजाओं के अधीन थे, मगर जो ये भारती चंद आया इसने मतलब अधीनता ना वो करके अटैक मारना ज़्यादा समझा उसने मतलब, और वो चला गया अटैक मारने के लिए, और वो इसी रास्ते से गया था अटैक मारने के लिए। यही मतलब किताबों में हर जगह लिखा हुआ है कि मतलब यही वाला रास्ता, और यहाँ से वो वड्डा वाला रास्ता उस वाले रास्ते से गया था अटैक मारने के लिए। और अटैक मारने के लिए उनका जो फर्स्ट कैंप था वो कैंप यहीं पे कहीं पे देव सिंह फील्ड के अगल बगल बनाया था उन्होंने बोला, और यहीं पर कहीं पर नौला था, क्योंकि पहले यहाँ पे ज़्यादा पानी के स्रोत होते नहीं थे ना, तो इसलिए सैनिकों ने मिलकर पानी पीने के लिए नौला बनाया था, वो कटुकी नौला। कटुक मतलब सेना ही होता है, तो कटुकी नौला सब ने मिल के बनाया था। वैसे मुझे एक बार याद तो आ रही है चीज़ की, जब देव सिंह ग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, छोटा सा था, तो उधर पर कोई एक नौला था तो सही, आपको भी शायद याद आ रहा होगा, जो पुराने लोग हैं ना याद करो एक बार, वहाँ साइड था तो एक बार, कहीं वही तो नहीं था वो नौला, एक बार ऊपर जाके किसी से पूछना पड़ेगा मेरे को, कोई जानकार आदमी अगर हो तो वो बता सकता है। वैसे यहाँ पे लोग आजकल ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं, सब छोटे ही हैं, इसलिए उनको भी कुछ पता नहीं है। चलो ऊपर देखते हैं, चेक करते हैं। तो यार नीचे देख के आ गया हूँ, नीचे तो दिख नहीं रहा मेरे को, ऊपर शायद होगा, क्या पता थोड़ा सा दिख जाए, तो ऊपर ही जाते हैं। चलो यार रोड में पहुंच गए हैं हम, और जहां तक मेरे को याद है ना, जो ये जगह है, इस वाली जगह में ही कहीं पर था वो पहले नौला, तो एक बार ज़रा जाके चेक करते हैं। वैसे तो अब सब कुछ नया बन गया है यार, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये जो जगह है ना यहीं पर था मतलब वो पहले, मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ज़्यादा याद नहीं है मेरे को, मगर मेरे को जितना याद है ना उतने में मेरे को यहीं पर था इतना पता है, और शायद से वही वाला नौला था ये, मतलब जो कटुकी नौला मैं बात कर रहा हूँ ना, भारती चंद के द्वारा बनाया गया, तो यही वाला हो सकता है, मैं अब कन्फर्म नहीं हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो तो मेरे को ज़रूर बताना, मैंने गूगल में भी सर्च किया, गूगल में भी नहीं दिख रहा था उस नौले के बारे में कुछ भी। तो छोड़ो अभी यहाँ पे, आप कुछ दिख नहीं रहे तो क्या ही कर सकते हैं, घर को जाते हैं। बारिश हो रही है, शाम का कुछ भरोसा नहीं है, बारिश होती है नहीं होती है, चलो देखते हैं, नहीं होगी तो हो जाएगा कुछ सही, नहीं तो घुस करो आज का। तो यार वो नौला तो मेरे को मिल नहीं पाया, और ऊपर से यहाँ पे नो पार्किंग थी, इसलिए मैंने यहाँ अंदर गाड़ी डाली हुई है। इस तरफ क्या पता हो, मगर यहाँ मेरे को कुछ अलग ही कुछ कॉलेज वॉलेज टाइप का लग रहा है, इसलिए मैं गया नहीं यहाँ, तो अब घर को ही चलते हैं फिर।
और किसी और दिन ढूंढेंगे अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो घर पहुंच गया हूँ यार मैं, और जो मैं ढूंढ रहा था नौला वो मेरे को मिला तो नहीं। खैर वैसे आज मैं ऐसे ही चला गया था, क्या पता मिल जाए वाला सीन था, मगर अब कल अच्छे से कहीं पूछताछ करूँगा कि अगर है कि नहीं है, और अगर होगा तो ज़रूर देखेंगे, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, पुरानी चीज़ ख़राब हो गई है। वैसे सुनने में आ रहा है करके, तो चलो देख लेंगे, मिल जाएगा तो बढ़िया ही हो जाएगा। तो अब घर में थोड़ा बैठते हैं और शाम को देखते हैं, बारिश आने जैसा भी हो रहा है, वैसे तो कुछ कह नहीं सकते बारिश का। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे शाम को, बारिश नहीं आएगी तो दौड़ने जाऊँगा, हैं नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, अंदर ही बैठे रहूँगा। चलो ओके यार, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम, और पता ही है आपको जैसे कि हमेशा शाम को मैं जाता हूँ दौड़ने के लिए, तो आज भी वही दिन है, मगर आज मौसम थोड़ा ख़राब है, क्या पता बारिश आ जाए, मगर इसी वजह से आज मैं कुछ ज़्यादा पहन के नहीं आया हूँ, बारिश आ भी गई तो चल जाएगा। और ये देखो मेरे दोस्त लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, बस इनके साथ चलते हैं और दौड़ते हैं अब। चलो यार, हमारी जो सिनोबी ट्रेनिंग थी उसको हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे पता नहीं क्या सड़ा हुआ है, अच्छी यार नीचे पर को बहुत गंदी बदबू आ रही है, ये पता नहीं कैसे यहाँ पे खड़े हो जा रहे हैं, मेरे को तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। दिनेश सीढ़ियाँ अभी भी कंटिन्यू ही कर रहा है दिनेश, हम नीचे को आ रहे और रहे अभी हम जाते हैं, हम सोच रहा हूँ मुंगरू जाने की सोच रहा हूँ, तो देखते हैं पानी पीने के लिए, या तो देखते हैं नितिन पानी लाते हैं तो मुंगरू नहीं जाएंगे, नहीं तो हम मुंगरू ही जाएंगे। 1.5 लीटर वाली बोतल लाना बोल, अगर आप लोगों ने कासनी का जिम नहीं देखा है तो आज मैं आप लोग को कासनी का जिम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रहा वो गिरी फिट इंडिया जिम, ये है कासनी का जिम, जहाँ पे कच्चा रोड ऊपर को आती है ना, ये देखो कच्ची रोड, बस 10 कदम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी होंगी, आप समझ जाओगे कि यही जिम है, आ सकते हो आप इधर अगर जिम आना चाहो तो, और 1000 रुपये फीस है महीने की, अगर फीस जानना चाहते हो तो। नितिन के लिए यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और ये आर्मी वाले अपनी बस पीछे कर रहे हैं, देखो यहाँ से शायद मोड़ काट रहे हैं, और नितिन शायद पानी लाने वाला है, अगर वो पानी लाते तो हम मुंगरू नहीं जाएंगे, और अगर वो पानी नहीं लाता है तो हमको मुंगरू जाना पड़ेगा, और अगर वो पानी लाता है और हमारी प्यास ना बुझे तब भी हम मुंगरू जाएंगे। तो मुंगरू के 2 ऑप्शंस हैं, और ना जाने का 1 पॉइंट है, तो मतलब कितना सा चांस, लगभग 75% चांस है मुंगरू जाने के, तो वो तो अब आएगा उसी समय पता चलेगा। पानी पीना ज़रूरी है, ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी होती है, और अगर आपको कमी हो गई पानी की तो आपको डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तो पानी पीता हूँ, आप भी पीजिए। आप पीते हो? नहीं पीते आप? आप पीते हो? हाँ, ये बहुत पीता है, ये तो हर समय पानी करता है, ये मेरे से ज़्यादा भी पीता है, वो जाओ पियो जाओ होता है इसका सीन। ये है वो शख्स बोलने वाला। चलो यार, नितिन क्या कर रहा है, आने दो। तो यार मैं वीडियो बनाना भूल गया था, मगर जो हमारा नितिन है सहपाठी है वो पानी हमारे लिए ले आया था, और अभी मैं आ गया हूँ बास्केटबॉल खेलने के लिए। देखो यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बस मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ बास्केटबॉल की, और बहुत अच्छा गेम करेंगे आज तो, वाह मज़ा आएगा। तू भी खेला नुजा, तनु तू भी खेलेगा, और सुमित तू भी खेलेगा, चलो हम भी जाते हैं फिर, अब कर अरे मैदान फतेह। बास्केटबॉल खेल के भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अंधेरा होने लग गया, तो हम जा रहे हैं घर की तरफ को। आज पवन ने बहुत अच्छा गेम दिखाया है, देखो पवन आ रहे हैं भाई, आई एम रियली वेरी एप्रिसिएट यू और गेम ब्रो, बहुत अच्छा खेलते हो तुम। और वो देखो वो दूसरा भाई सुमित है, मेरे नीचे कमेंट करना जो जानते हो सुमित को, ये वही वाला सुमित है जो 6th में हमारे साथ था, मैंने भी आज ही कल देखा, पता नहीं कहाँ से आया इतनी लेट में, ये यहीं था शायद, मगर अभी देखा है मैंने, तो आप कमेंट कर सकते हो कौन कौन जानते हो। ओके अब चलते हैं घर की तरफ को, अंधेरा होने लग गया है। ओके यार अंधेरा हो गया है, और अभी मैं जस्ट दौड़ के आ रखा हूँ, और अपनी गाड़ी देख रहा हूँ, यहाँ पे कवर ही है ये पहले से ही, ये देखो आंटी ने करा होगा शायद मकान मालिक, क्योंकि उत्कर्ष की भी बंद है ना, बैठकी है ना इसलिए। तो चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर आई होप दैट यू हैव इन्जॉयड, अब कल मिलते हैं, और वो नौला कल देखेंगे, नौले को कहीं मिलता है तो थोड़ी कल को थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मैं ग्रेस्प करके फिर जाऊँगा उसको ढूंढने के लिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके तो गुड बाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।